वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आईफोन का कीबोर्ड होता है जो, इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, नॉर्मल सेटिंग से तो ये बड़ा होता नहीं है, जैसे कि यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी अगर डाउनलोड करने लग गए तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम इसको जो है अपने इनबिल्ड जो फीचर्स रहते हैं उनसे ही बड़ा करने की कोशिश करेंगे। अब ये होगा कैसे, देखिए थोड़ी सी डिफरेंट सेट है सेटिंग्स में, डायरेक्टली तो ये बड़ा होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कोई फीचर रहता है कीबोर्ड को बड़ा करने का, छोटा करने का, नहीं ऐसा नहीं है। आपको बेसिकली सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है डिस्प्ले वाली सेटिंग्स पर जाना पड़ेगा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले इसे बोल्ड कर देना होगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा ये लार्ज हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्टली ये हर टेक्स्ट पर अलाउड हो जाएगा, ऐसे नहीं कि उसी पर अलाउड होगा, ये हर टेक्स्ट पर अलाउड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि आप इसे जूम कर लीजिए, ठीक है। जूम करने के बाद जो ये लार्ज टेक्स्ट होते हैं वो सब लार्ज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम इसे डन करते हैं तो देखिए यहाँ से एकदम स्विच ऑफ हो जाएगा हमारा फ़ोन, स्विच ऑफ सा, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये इसी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। ये कस्टमाइज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर कीबोर्ड को जैसे ही हम लाते हैं तो पहले से ही ये बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ सारी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। तो ये सिस्टम रहता है इसका, ठीक है। बाकी अगर आप ये समझते हैं कि हम कीबोर्ड पर, तो उसके लिए दूसरे फीचर्स रहते हैं, लाइक आपने देखे होंगे ये जो फीचर होता है टॉक बैक, वो आप लगा सकते हैं। अगर आपका जो है आपकी आईज जो है थोड़ी देखने में दिक्कत है या फिर आपको आपकी टच वर्क नहीं करती, तो उन फीचर्स को आप लगा सकते हैं। तो बाकी टेक्स्ट भी बड़ा करके देख सकते हैं तो और थोड़े से बेटर हो जाएंगे, अगर आप बड़ा करना चाहें यहाँ पर टेक्स्ट साइज को। बाकी इस तरीके से आप कीबोर्ड का जो साइज है वो बड़ा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।